Yes, yes, sir. प्रार्थनेचा कार्यक्रम पुढे नेत असताना मी आता राजमोहन सरांना विनंती करते की त्यांनी पुढे येऊन मराठी भाषेची महती आम्हा सर्वांस सांगावी. विविधतेने एकतेकडे गेलेला अनेक प्रांत अनेक भाषा अनेक रूप अनेक देश असलेला हा आपला देश आणि त्या देशामध्ये अनेक भाषा बोलले जातात आणि त्याच्यात मराठी ही एक भाषा आहे. आजचा विषय मराठी आहे पण मराठी संदर्भात अगदी मोजक्या शब्दांनी तुम्हाला सांगतो. साधारण इंडो रशिया या प्रांतातून आलेली ही भाषा महाराष्ट्र प्राकृती आणि अपभ्रंश या संस्कृत शब्दापासून जी उत्पत्ती आहे म्हणजे तयार झालेली ही भाषा आहे. आणि या भाषेमधनं जरी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा असली तरी देशामध्ये एकंदर 6000 भाषा आहेत आणि या 6000 भाषांमध्ये देशामध्ये या भाषेचा 15वा नंबर येतो. आपल्या देशामध्ये इतक्या अनेक विकसित जरी भाषा असल्या त्या भाषांचं अनेक प्रकारे विकसन झालेलं असलं तरी आपल्या देशामध्ये हिचा नंबर 4था लागतो. आणि महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र राज्याची ही राज्यभाषा आहे. गोव्याला तिला समान दर्जा आहे. गोव्यामध्ये कोकणी आहे राज्यभाषा तशीच मराठी आहे. तर गोव्याच्या आपल्या राज्यामध्ये दोन्ही भाषांना समान दर्जा आहे. त्यामुळे आता साधारण भाषा हा इतिहास बघितल्यानंतर भाषेशी संबंधित काय आपण भाषा कशासाठी वापरतो तर माणसाचं जीवन आणि माणसाचं अस्तित्व जिथं निर्माण होतं किंवा माणूस स्वतःला आपण माणूस म्हणून सांगायला पुढे सरसावतो आणि आपलं अस्तित्व निर्माण करतो आणि या अस्तित्व निर्माण करते वेळी त्याला आपल्या सहजीवनामध्ये एक साधन लागतं आणि हे साधन का कोण करतं तर भाषा विषय. त्यामुळे भाषेला अनन्य असं अनन्य साधन असं महत्व आहे. त्यामुळे आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी भाषा हे प्रमुख साधन मानून माणूस आपलं दैनंदिन जीवन घडवतो व्यवहारामध्ये घडवतो सांस्कृतिक रेलचेल तो निर्माण करतो. कळलं? तर भाषा हा विषय मोठा आहे. फक्त आजच्या या भारत श्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत ज्येष्ठ भारत या सदराखाली किंवा एकतेच्या नमस्कार बच्चों आप सभी को मेरा प्रणाम. भाषा संगम की पहल को हम आज भी जारी रखेंगे. अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हमारा प्रार्थना सभा का कार्यक्रम हिंदी में होगा और उससे पहले हम हिंदी भाषा का इतिहास जानेंगे. प्रयोग उत्तर भारत से किया गया था जहां आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है. इतिहास के हिसाब से हिंदी भाषा लगभग 2000 साल पुराना है. हिंदी भाषा की शुरुआत 1000 ईस्वी से की गई थी. करीबन 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच हिंदी भाषा का सिर्फ बोल शुरू हुआ था. करीबन 1500 ईस्वी तक लोग हिंदी भाषा अच्छी तरह से और साफ तरीके से बोल लेते थे. 1460 ईस्वी के करीब साहित्य सृजन भी होता था. अब साहित्य सृजन क्या होता है यानी कि दोहा चौपाई कथा छंद आदि ये साहित्य सृजन होती है. और उस समय के महान रचनाकार थे गोरखनाथ विद्यापति नरपति कबीर आदि. करीबन 1500 ईस्वी के बाद जब भारत में हिंदी का विकास पूरे देश में हो रहा था यानी हिंदी भाषा में बहुत बड़ा बदलाव आया. उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन होना शुरू हुआ और मुगलों की भाषा का प्रभाव हिंदी भाषा पर होने लगा. लोग फारसी भाषा का उपयोग करने लगे क्योंकि मुगल किसी को राजकाज में नौकरी देते थे जिसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान होता था. इसके कारण लोग हिंदी भाषा का उपयोग कम करने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि फारसी के लगभग 3500 शब्द अरबी के 2500 शब्द पश्तो के 50 शब्द और तुर्कियों के 125 शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए. ये सब होने के बाद भी कुछ विद्वान कवियों ने भी लोगों के बीच हिंदी भाषा को बोलने के लिए उन्होंने राम और कृष्ण की जन्मभूमि की ब्रज भाषा को उठाया और उस भाषा में काव्य की रचना की जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और धीरे धीरे लोग हिंदी और ब्रज भाषा को बोलने लगे. इस महान कार्य में योगदान देने
महान कवि जी, तुलसीदास जी, संत सूरदास जी, संत मीराबाई जी, मलिक मोहम्मद जैसी बिहारी जी तथा भूषण जी थे, जिनकी वजह से एक बार फिर भारत पर हिंदी भाषा का जन्म हुआ। फिर सन 1800 के करीब मुगल भाषा का प्रभाव काफी कम होने लगा, हिंदी भाषा का प्रयोग सभी भारतीय करने लगे। लेकिन कुछ सालों के अंदर फिर से वही समय आया जब अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेजों की अंग्रेजी भारत पर ऐसे चढ़ रहा था मानो कि हिंदी का वजूद ही नहीं रहेगा। और फिर से कुछ महान लेखकों ने एक पहल करी और उन्होंने खड़ी हिंदी का प्रयोग किया, जिसमें शुद्ध हिंदी का भी इस्तेमाल किया गया और कुछ ऐसी ऐसी पुस्तकें खड़ी बोली में लिखी गई जो लोगों को दिलों को भा जाती थी। लेकिन अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, वे कई चाल चले जो लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। इसी बीच महात्मा गांधी जी तथा अन्य देश पर इस विषय पर सोच ही रहे थे। घर अंग्रेज भारत पर राज करने के मकसद में नहीं आया था, बुद्ध पूरी दुनिया में अंग्रेजी और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। और उन्होंने ये देखा कि कई धर्म आपस में मिलकर इस देश की एकता को बनाए हैं, वो इस एकता को तोड़ने का प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर जात और धर्म पे कूट नीति पे प्रयास किया, वो सफल हो गए, जिसके चलते अंग्रेज धीरे धीरे लोगों के बीच अंग्रेजी तथा अपने धर्म का प्रचार किया। लोग अपनी एकता को छोड़कर अंग्रेजों की बातों में आ गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया। लेकिन इस गांधी जी ने फिर से हिंदुस्तान की एकता को जोड़ा और अंग्रेजों को देश से निकाल दिया। लेकिन हिंदू और मुस्लिम को एक नहीं बना पाए, किसी कवि ने सही कहा है, रेशमी धागा प्रेम का मत तोड़ो जाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो कान पर जाए। और यही हाल हुआ हिंदू मुस्लिम में, दोनों ने अपने अपने मुल्क अलग कर लिए, एक हिंदुस्तान के दो भाग बट गए, भारत और पाकिस्तान जो दो देशों में बट गए, जिसमें भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हो गया और पाकिस्तान का उर्दू हो गया। जिस चीज को बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी, आखिर अंत में वही तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मे द ऑलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटनेस ऑफ पाथ। द गायत्री मंत्र रिमाइंड्स अस ऑफ आवर वेरी ओन एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज। लेट मी नाउ रिवील the secrets of Sanskrit language to you. कुछ नहीं लिया। किसी मंत्री या गुरुकुल के पास से गुजरते हुए आपने संस्कृत के श्लोक या मंत्र तो अवश्य ही सुने होंगे। इन मंत्रों और श्लोकों से बचपन से ही हमारा रिश्ता टूट चुका है, पर फिर भी आज ये श्लोक कभी कभी सुनाई दे ही जाते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है। 2001 में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 14,135 थी। दुनिया जहाँ संस्कृत की महिमा को समझकर संस्कृत सीखना चाह रही है, वहीं भारत इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठा रहा है। आज हम आपको संस्कृत के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बता रहे हैं जो किसी भी भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा है। अरब लोगों की दखलंदाजी से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा थी। नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे सशक्त भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द है। वर्तमान में संस्कृत के शब्द कोश में 102,78,50,00,000 शब्द है। संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्भुत खजाना है। जैसे हाथी के लिए ही संस्कृत में 100 से ज्यादा शब्द हैं। नाथा के पास संस्कृत में तालपत्रों पर लिखी 7,000 पांडुलिपियां हैं, जिन पर नाथा रिसर्च कर रहा है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना था। किसी और भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है
जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त रहता है। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर पॉजिटिव चार्ज के साथ सक्रिय हो जाता है। कर्नाटक के मुत्तूर गांव में लोग केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत बोलने वालों की मांग है। जर्मनी की लगभग 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष यात्रियों को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उल्टे हो जाते थे, जिस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत से मैसेज भेजा, क्योंकि संस्कृत भाषा के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिथम संस्कृत में बने हैं, न कि अंग्रेजी में। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6वीं और 7वीं पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे, जो 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। संस्कृत सीखने से दिमाग तेज हो जाता है और याद करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। Can anybody identify which language is this? Exactly, it's Bengali. And like Sanskrit, there are many people in our country who speak in Bengali. एक बार एक बंगाली पोइट ने ये बात बोली थी, बांग्ला मुझे भाषा, बांग्ला मुझे गर्व, बांग्ला मुझे आशा। यानी बांग्ला हमारी भाषा है, बांग्ला हमारा गर्व है और बांग्ला ही हमारी आशा है। बांग्ला फ्रेंच के बाद दुनिया की दूसरी सबसे आर्टिस्टिक और सबसे ब्यूटिफुल लैंग्वेज माना जाता है। बांग्ला पूरे दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में 7वें नंबर पे है और इंडिया में 2 नंबर पे है। कुल मिला के पूरे दुनिया में 210 मिलियन लोग बांग्ला को अपना फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं। बांग्ला बांग्लादेश की नेशनल लैंग्वेज है और भारत के राज्य वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बांग्ला असम और अंडमान और निकोबार आइलैंड की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। बांग्ला सियरालियोन नाम का एक देश का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसके गवर्नमेंट ने बंगाली लोगों को सम्मान देने के लिए अपने देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला को बनाया है। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट किया पूरे पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज को सम्मान दिलाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मौत भी हुई। उस इंसिडेंट के बाद यूनेस्को ने बोला कि हम सारे आश्चर्यचकित हैं बंगाली लोगों के अपने बांग्ला भाषा के प्रति जुनून देख के कि वो अपने भाषा का सम्मान दिलाने के लिए मर भी सकते हैं। 21 फरवरी 1997 में यूनेस्को ने बांग्ला भाषा के सम्मान में हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। बंगाल पूरी दुनिया में अपने लिटरेचर के लिए जाना जाता है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों ही बंगालीज ने लिखा है और ये सबसे पहले बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था। जन गण मन लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बांग्ला लैंग्वेज दुनिया का एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो किसी देश की आजादी का कारण बना, वो है बांग्लादेश। पूरी दुनिया में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन सब जगह पे बंगाली रेडियो स्टेशन चलते हैं और बंगाली न्यूज़पेपर्स दिखते हैं।